हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न सिविल टेक एंड ट्रिक्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो, तो सबसे पहले जान लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वाटर सीमेंट रेशियो की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो वाटर सीमेंट रेशियो की डेफिनेशन क्या है, जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो वाटर का और सीमेंट के दोनों के अमाउंट के रेशियो को वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं, द रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर टू द अमाउंट ऑफ सीमेंट बाय वेट, मतलब उन दोनों के वेट के रेशियो को जो अमाउंट में हम लेंगे उन दोनों के वेट के रेशियो को वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं, टर्म्ड एज द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो तो उसको वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो एक्चुअल में कितना यूज़ करते हैं, इन एक्चुअल जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है हमारा 0.45 से 0.6 के बीच यूज़ करते हैं हम। इन एक्चुअल जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड इज अबाउट 0.45 टू 0.60 टाइम्स टू वेट ऑफ सीमेंट टाइम्स द वेट ऑफ सीमेंट, मतलब जितना सीमेंट लेंगे उसका 0.45 टू 0.6 टाइम तक का हम वाटर इसमें यूज़ करेंगे। क्यों, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो मतलब द स्ट्रेंथ और क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो पे उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कंक्रीट की। तो जो क्वांटिटी होती है वाटर की वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, लीटर्स में, और जो क्वांटिटी होती है सीमेंट की उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, केजी में। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू लीटर एक्सप्रेस करते हैं उनको, और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को एक्सप्रेस करते हैं हम केजी में। तो हम कितना वाटर यूज़ करते हैं एक बैग सीमेंट के लिए, तो सीमेंट के एक बैग में कितना वाटर यूज़ करेंगे, वन बैग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के एक बैग में कितना आता है, 50 kg सीमेंट आता है। तो उसके लिए हम कितना वाटर यूज़ करेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 0.45 टू 0.6 टाइम हम उसका वेट ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग वाटर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कितना वेट है, 50 kg, तो हम कितना वाटर यूज़ करेंगे, लगभग 30 लीटर। अगर हम 30 लीटर वाटर लेते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा, 30 लीटर वाटर्स। देन वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा, वाटर कितना है हमारा, 30 अपॉन में सीमेंट कितना है, 50 kg, इसको कट किया कितना है, 0.6। तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो गया, 0.60। ये हो गया हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। लेकिन ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट बहुत ज़्यादा वर्केबल हो जाएगा और वो हमारे फॉर्मवर्क में ठीक तरीके से फिट नहीं होगा और बह जाएगा, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल और कोर्स एग्रीगेट जो गिट्टियाँ वो दोनों आपस में चिपक नहीं पाएंगे ज़्यादा वाटर होने के कारण, और अलग अलग हो जाएंगे जल्दी, जिसकी वजह से ये वाटर सीमेंट रेशियो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम 23 लीटर यूज़ करेंगे, यूज्ड एक्चुअल 23 लीटर वाटर यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर देन द वर्केबिलिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, इज इंक्रीज्ड।
एंड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी. स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिक्रीज. तो हम देख लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो कितना और कहाँ का यूज होता है. सबसे पहले हम वाटर सीमेंट रेशियो को देख लेते हैं कहाँ का यूज करते हैं. तो जनरली हम वाटर अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे कम होती है, इट इज जनरली, तो हम बोल सकते हैं इन जनरल, मतलब हम अगर हम 0.01 या 1 लीटर कंक्रीट, 1 लीटर वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कितनी कम हो जाएगी. इन जनरल इट मे बी स्टेट दैट द एडिशन, मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा लीटर, अगर हम एक्स्ट्रा 1 लीटर वाटर उसमें यूज करेंगे तो कितना हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाएगी. वाटर टू द कंक्रीट ऑफ कितने, 1 बैग ऑफ सीमेंट. तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस हो जाएगी, विल रिड्यूस कंक्रीट की स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1.4 न्यूटन पर mm square. मतलब अगर हम उसमें 1 बैग ऑफ सीमेंट के अंदर 1 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है 1.47 न्यूटन पर mm square से कम होती जाएगी. मतलब अगर हम 1 लीटर और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे और कम, 2 लीटर यूज़ करेंगे तो और डबल टाइम इससे कम होती जाएगी. तो कौन से वाटर सीमेंट रेशो का कंक्रीट कहाँ यूज़ कर लेते हैं वो भी देख लेते हैं. तो वाटर सीमेंट रेशो, जिसका वाटर सीमेंट रेशो मतलब 0.45 से 0.55 के बीच जो आता है, तो वो कंक्रीट कहाँ यूज़ करते हैं. अगर वाटर सीमेंट रेशो 0.45 से 0.55 के बीच आता है तो इस टाइप का कंक्रीट का यूज़ करते हैं. तो इस टाइप का कंक्रीट वहाँ यूज़ होता है मेनली फॉर स्ट्रक्चर. वो कौन से स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जो जनरली रेगुलरली गीले या सूखे होते रहते हैं, मतलब वेट और ड्राई होते रहते हैं, विच आर रेगुलरली वेटिंग और ड्राइंग, मतलब गीले या सूखे होते रहते हैं बार बार, वेटिंग एंड ड्राइंग. उन प्लेस पे जो वाटर सीमेंट रेशो होता है कंक्रीट का, और 0.45 टू 0.55 के बीच लिया जाता है. और फॉर मास कंक्रीट, और मास कंक्रीट बनाने में भी इस रेशो का यूज़ करते हैं. और जो स्ट्रक्चर जो अंडर वाटर रहते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूसली अंडर वाटर होते हैं, तो उनके लिए जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है. मतलब फॉर स्ट्रक्चर्स विच आर, जो अंडर वाटर रहते हैं, मतलब कंटिन्यू, मतलब जो हम ब्रिज का फाउंडेशन का पियर बनाएंगे वो कंटिन्यूसली अंडर वाटर, तो उनके लिए जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो लिया जाता है 0.55 से 0.65 के बीच. तो वाटर सीमेंट रेशो इज टेक 0.55 से 0.65 के बीच का वाटर सीमेंट रेशो लिया जाता है. और जो स्ट्रक्चर रेगुलरली मतलब ड्राई और वेट होते रहते हैं, उनके लिए 0.45 टू 0.55 के बीच का लिया जाता है. और जो स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली अंडर वाटर रहते हैं, उनके लिए लिया जाता है 0.55 से 0.65 के बीच का वाटर सीमेंट रेशो. लेकिन जो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो 0.4 से 0.5 के बीच में लिया जाता है. तो आप समझ लेते हैं वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आता है. तो इसको ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं. सबसे पहले ये हमारा y एक्सिस
ये हमारी एस एक्सिस, तो इस पे हम रखेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और यह हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.80 तक। और जो ये इसको ले लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 45 and 50, तो जो 0.3 पर रहता है वो वाटर सीमेंट रेशो पे उसकी 40 रहती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 40 पे आने पे 35 हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज करते जाते हैं उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती जाती है, कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करेंगे हम। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इसका टेबल भी देख लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशो और इधर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम दो दिन की चेक कर लेंगे, पहले 7 डेज के लिए फिर 28 डेज के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज करने पर। तो हम जरा देख लेते हैं, सबसे पहले अगर वाटर सीमेंट रेशो 0.35 है तो 7 डेज में कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाती है 40, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किस में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और तो आफ्टर 28 है 52, 0.4 करेंगे तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी 35, और आफ्टर 28 डेज लगभग 47, और 0.45 और बढ़ा दिया वाटर सीमेंट रेशो तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी 30, आफ्टर 28 डेज लगभग 42 ले लो, और 0.50 पे ये हो जाएगी 25, और ये हो जाएगी 37, मतलब कम होती जा रही है यहाँ पे, कम होती जा रही। और 0. और ज़्यादा ले लिया हमने, समझ लो 0.7 ले लिया, 70, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी लगभग 13, और इसके आफ्टर 28 डेज कितनी हो जाएगी 22 लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। तो ग्राफ को एक बार अच्छे से बना लेता हूँ मैं, इधर हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा 45, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55। तो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और जो वाटर सीमेंट रेशो का ग्राफ है कुछ इस टाइप से बनता है, मतलब जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ते जाता है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में डिक्रीज होती जाती है, ये हमारे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और ये हमारा वाटर सीमेंट रेशो। लेकिन जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो कैसे अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ की कंक्रीट की, अगर हम ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी लेकिन उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, और वर्केबल हो जाने पर जो उससे सैंड के पार्टिकल्स और जो कोर्स एग्रीगेट आपस में आसानी से चिपक नहीं पाएंगे, जिसके कारण से वो फैल जाएंगे, और वर्केबिलिटी बढ़ने के कारण वो फॉर्मवर्क में ढंग से चिपक नहीं पाएंगे और पूरा फैल जाएगा ज़्यादा वर्केबल होने के कारण, मतलब वो प्लेस नहीं होंगे और हैंडल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशो कम यूज़ करते हैं, जितना हमको चाहिए उससे भी कम, तो वर्केबल बहुत कम हो जाएगा और बहुत हार्ड और सख्त जल्दी से जम जाएगा, जिसके कारण से हम उसको प्लेस करने में दिक्कत आएगी, उसको फैलाने में। तो हम कम वाटर सीमेंट रेशो भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम कम वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करेंगे तो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करेंगे तो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन हमको जितना कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ रखनी है उसके हिसाब से हम वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।